you see the trailer, can you ever be objective about it sometimes? Are you able to, do you smile inside as well at that point of time? Do you feel just happy that it's all over and it's all looking lovely and big? Not really, you can't. Actually, it's a feeling of emptiness. जब फिल्म बन जाती है सब इतने इतने अच्छे लोग सब ने इतनी मेहनत की तो एक्चुअली टुडे इट्स काइंड ऑफ सैड व्हेन यू प्रेजेंट योर फिल्म आउटसाइड टू द वर्ल्ड बिकॉज उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म हमारी नहीं रहती एंड सभी हमारी नहीं रही है तो हम चाहेंगे कि जब ये बाहर आ गई है तो जितने भी लोग उसको देखें उतना ही प्यार करें जितना प्यार से हमने उसको बनाई है सो इट्स आई ऑलवेज से इट्स लाइक गिविंग अवे योर डॉटर सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ डे आई कैन नॉट सिट डाउन एंड वॉच इट एंड गेट हैप्पी एंड कि हमने कमाल कर दिया कमाल हम नहीं करते कमाल वो करते हैं जिनको फिल्म अच्छी लगती है देखने के बाद सो होपफुली वी वर्क्ड हार्ड एंड वील मेक श्योर इट गोज थ्रू वंस अगेन एंड पीपल लाइक इट बिकॉज इन अ सर्टन सेंस रोहित एंड मी हैव वर्क टुगेदर बट मोस्ट ऑफ द पीपल हियर हु आर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स फॉर इयर्स आई फील अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल दैट आई शुड नॉट लेट देम डाउन इन दिस फिल्म नॉट बिकॉज आई एम द स्टार ऑफ द फिल्म और समथिंग But because somewhere I've got the team together, so I wish that I make sure that everybody is happy. Especially Pritam Da, he's done two romantic songs for Shah Rukh and Kajol. Iski to what lagne? And he wore a suit. Yeah, and suit. And just a second, because the way we came, हम थोड़ा गुम गए थे. तो हमारे जो writers हैं फिल्म के, Sajid और Farhad यहाँ पे हैं. So I'd like to call them on come? stage. Yes. So they can please come. हालांकि उन्होंने suit नहीं पहना है. Hello, sir. ज्यादा फिट मत होना ऐसा गिर भी जाएंगे हम लोग इधर एंड कीप ट्वीटिंग दोस फोटोग्राफ्स ऑफ योर सन वी लव देम नो आई हैव बीन टोल्ड नॉट टू ट्वीट देम एनी मोर यार नो आई थिंक दे फैंटास्टिक साला मुझसे फेमस मुझसे ज्यादा फेमस होता जा रहा है ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन आई ओपन इट आउट टू द एंटायर प्रेस हियर वी कैन स्टार्ट विद एज सून एज आई सी अ हैंड अप जस्ट से योर नेम एंड द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क द एक्टर और खान साहब मेरा नाम आलोक है मैं वही आज तक से मुझे मालूम ही नहीं पड़ता था नाम आलोक है अगर तूने बताया नहीं होता आलोक सर डी से डॉन भी हुए डी से देवदास भी हुए अभी डी से दिलवाले भी आ चुकी है आपके हिसाब से आपको लोग दिलवाले दिलवाला कहते हैं आपके हिसाब से कौन होता है दिलवाले दिलवाला आपके हिसाब से हमारी फिल्म का भी वही मीनिंग है एक्चुअली यू नो वंस हु कैन फॉरगिव फॉरगेट एंड मूव ऑन एंड होल्ड नहीं करते एरोगेंस नहीं रखते ईगो ने तो गलत हो गया यार मैं तो सब कुछ हुई है बट पीपल हु हैव लार्ज हार्ट्स आर द पीपल हु कैन फॉरगिव फॉरगेट एंड मूव ऑन एंड लव ईच अदर आई थिंक दैट्स अ सिंपल एज दैट आई सॉ हैंड या हाय शाहरुख द ट्रेलर लुक्स ग्रेट आई मीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या आई एम अर्जुन आई एम फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स यूके माय क्वेश्चन इज How many references to Dilwale Dulhaniya Le Jayenge are there in this film? Ye hai reference jo hai. Isse bada reference aur kya ho sakta hai? Because Chennai Express, your last collaboration with Mr. Rohit Shetty, usme bhi there was a sequence where you were, you know, bringing those goons on board the train and aapne kaha ki ye main pehle kar chuka hu and you know, so, similar kind of scenes or dialogues in this film as well for the fans who would want to kind of see. Actually, you know, it's very first. Kajol, me, feel very honored, director of Rohit's caliber, one of his favorite films is Dilwale. And to say it again, that one of the favorite directors that Aditya Chopra has, who's made Dilwale, is Rohit Shetty. So it's a strange kind of a mutual admiration without them actually meeting each other or talking about each other. So wo dono itni, main jabhi bhi alag alag waqt pe dono ko milta hun, to ek dusre ki itni tarif karte hain, just for the work each has done. I think that respectability and respect for work So somewhere down the line, I think just for the fun element, we had it in Chennai. और इसमें तो हम ही हैं यार अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कौन सा reference हो सकता है? And then we took it seriously in Dilwale. Yeah. All right. Thank you. Hi, Shahrukh sir. Sir, Suvigya. Sir, मैं दिल्ली से हूँ. Hi, Suvigya. Sir, thank you so much. Sir, मैं आपका बहुत बड़ा fan हूँ sir. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता. मगर बताएगा जरूर ना फिर भी सर बस एक बार आपको हक करना चाहता था अच्छा वो हम दूसरे थिएटर में कर लेंगे दूसरे थिएटर में हक हो जाएगा सर मेरी फूटी किस्मत लड़के हक करते हैं मेरे को सिर्फ सर आई एम आल्सो ड्राइंग इन फिल्म इंडस्ट्री सो जस्ट गिव मी अ वाओ एन ओपन ऑडिशन कॉल सर जस्ट गिव मी अ क्लू बिकॉज़ स्वीट ओके सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डूइंग व्हाट यू डूइंग गॉड ब्लेस ओके मूविंग अहेड Yeah, on the in the front there, the Hello. lady in the front.
I'm going to try and send the mic across to you. Yeah, it's behind you. The mic is behind you. Hello. Behind you, behind you. Aapke piche. Ha. Okay. Hello, sir. Your trailer was amazing. I just loved it. My question is, I'm Veena from NDTV. My question is to Varun and Kriti. There's a legendary couple in your film. तो आपको डर नहीं लगा कि कहीं आपका पैर ओवरशैडो ना हो जाए या फिर सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट? वरुण विल आंसर दिस फर्स्ट. नो, नॉट एट ऑल एक्चुअली, यू नो, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन फ्रॉम व्हाट यू गैदर्ड, आई एम प्लेइंग हिज यंगर ब्रदर इन द फिल्म, एंड आई थिंक व्हेन यू प्ले समवनस ब्रदर, दीस थिंग्स लाइक इनसिक्योरिटी, जेलसी एंड ऑल, इट कांट कम टू योर माइंड. आई हैव अ ओल्डर ब्रदर इन माय रियल लाइफ एज वेल, सो I try to get into the skin of my character, so I don't feel any of this. I do love him a lot. I do love her a lot, and do love her a lot as well. So this film is not only just like one commercial film coming. It's an emotional film. So everything that we all do together, we all stand by each other. And I just hope, like a younger brother, I can support him till the end in this film. And obviously, Rohit sir is there to look after what happens with the track, and he'll do the best in that. And I too, like Chucha, feel that I'm good in the film as well. So I think in this film, Rohit has kind of made sure that everyone has a separate track and everyone is, you know, in their own space and they stand out. But also, as you see, there are two love stories going on. And Shah Rukh Kajol se koi compare kar hi nahi sakte. Toh hum sapne mein bhi nahi soch rahe the ki hum wahan tak pahunchenge ya kuch. I hope that we were able to create half the magic that they both do, and we'll be happy with that. But hum log ne hamari love story mein ek bahut unique cheez hai. Aap khadi ho jao. दुनिया को दिखा देते हैं आज हमारा. मैंने आज फ्लैट्स क्यों पहने ये दिखाते हैं हम. आओ. मैंने हील्स पहने हैं, इन्होंने फ्लैट्स पहने हैं, और ये काफी लंबी लड़की. नो, आई एम ट्राइंग टू कट माय हाइट सो पीपल फील. तो एक्चुअली हम लोग ये हाइट पे होते थे. यू स्टैंड स्ट्रेट, डोंट वरी. एंड आई थिंक फॉर ऑल द बॉयज आउट देयर हु लव टॉलर गर्ल्स देन देम, इट इज पॉसिबल. प्लीज गो आउट देयर एंड ट्राई. एंड वी हैव एक्चुअली यूज्ड दिस, रोहित सर हैज यूज्ड दिस फैक्ट, द माय हाइट फैक्टर in the film also, which is in good humor. But yeah, actually, इसको लगता है कि बहुत छोटा है, इतना छोटा नहीं है ये. नहीं हूँ मैं ऐसे बोलता हूँ. I enjoyed that. I was fine with everyone standing on a park cloud. Even you did it, okay? Don't lie. Hi, Shahrukh, in the center. Anita, you're from BNS. Shahrukh, with every film you raise the bar, and recently Varun said that this film will make Indians proud at the global level. What do you have to say on that? Actually, as a part of Red Chillies, I mean, I'll just talk about Red Chillies and Rohit Shetty Productions. Raising of the bar is by the creative team, Rohit's team actually, you know, who's always behind the scene, and Red Chillies team who are helping to take the vision a little further than what we have. And inshallah, I don't know, film jab aayegi, humne koshish bahut ki. It has elements of what an international quality film should look like, with a family feel, the heart of Indians. It's actually a family, happy comic film coming on the right time. But beyond that, everything else in terms of the technology and the technique of the film, sound, everything should be international. I think that credit goes to Rohit. So humne koshish ki, aur inshallah, it'll always be a step up from the last film. Thank you. Hi, Kaju. अनुप्रिया प्रभात खबर न्यूज़पेपर से. आपकी और शाहरुख की जब भी जोड़ी आती है काफ़ी चर्चाएं होती है, और जो गाना है रोमांटिक गाना की हमेशा चर्चा रहती है, तो आपकी क्या मेमोरीज जोड़ी है और आपके लिए ये जोड़ी क्या मायने रखती है? मेमोरीज, आई हेट एनेक्डोट्स ऑनेस्टली, तो बताने के चक्कर में जाऊँ तो आई थिंक इट्स बोरिंग फॉर मी टू हियर. सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी डिड इन दिस फिल्म. इस पिक्चर के बारे में बता दूँ, वी शॉट इन आइसलैंड फॉर द सॉन्ग, एंड इट्स एक्चुअली वी शॉट द सॉन्ग इन 7 days. वी स्टार्ट टू फिनिश, वी फिनिश द सॉन्ग इन 7 days, और वी हैव वर्कड लाइक डॉग्स इन कोल्ड वेदर, नियरली डाइड, टर्न्ड ब्लू. वो जो ब्लू दिलवाले का था वो हमारा एक्चुअली स्किन का रंग हो गया था बाय द एंड ऑफ द शॉट. But we had a great time, and we had a great time. Gana bahut acha tha, aur we loved the song so much also. So I think jab aap dekhoge screen pe, I think you have seen snippets of it in the trailer. But I think it's just looking so magical and so amazing that I think the magic
that you keep talking about as a pairing also comes from that fact, honestly. Hello. काजल मैम, मेरा भी आपसे सवाल है. मेरा नाम रवि कुमार है एंड आई एम फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. सॉरी, मेरे को कुछ दिखता नहीं है चार फीट के बाद में. मैम, मेरा आपसे सवाल है कि आप इतने दिनों बाद आप बड़े स्क्रीन पर वापस आ रही हैं और आप अपने फैमिली कमिटमेंट्स के ज़रिए के चलते आप फिल्मों से दूर रहीं, तो अभी आप वापस शाहरुख सर के साथ आप आ रही हैं फिल्में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म करने के दौरान आप अजय वाज बेबीसिटिंग या फैमिली कमिटमेंट्स होती है, राइट? तो इसके चलते आपको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी होती है ना, काफी मैनेज करना पड़ता है टाइम. आई थिंक टाइम मैनेज करना पड़ता है, उनसे तकलीफें झेलनी पड़ती हैं. आई डोंट कंसीडर दैट द राइट कॉन्टेक्स्ट रियली, लेकिन आई थिंक एवरी पर्सन, एवरी वुमन हु वर्क्स हु हैज़ किड्स ऑलवेज फील्स दैट गिल्ट. आपको हमेशा ये फीलिंग लगती है कि यू नो, ओ गॉड, आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद माई किड्स, और मेरे बच्चे घर पर क्या कर रहे होंगे, मैं इतने दिन छोड़ के गई हूँ उनको. तो ये हमेशा एक गिल्टी फीलिंग होती है हर माँ में, एंड इट्स समथिंग दैट वी हैव टू बैटल डेली. हर रोज़ इस वक्त भी मेरे बच्चे घर पे हैं एंड आई स्टिल फील दैट नो, यू नो, आई शुड बी देयर, मुझे होना चाहिए वहाँ पे. यू नो, आई नीड टू गिव देम देयर डिनर, लंच, व्हाटएवर, एंड सो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू फेस, यू हैव टू कन्फ्रंट एवरी डे. एंड आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद फॉर द फिल्म. जैसे मैंने कहा, अजय हैज़ वेरी स्वीटली एंड नाइसली सपोर्टेड मी. सो ऑल द डेज, जितने दिन मैं बुल्गारिया में थी और जितने दिन मैं आइसलैंड में थी, और ही वॉज वेरी स्वीट एंड ही स्टेड एट होम एंड टुक केयर ऑफ माई किड्स. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ हस्बैंड. बच्चे पहले जब काजल घर में थी तो लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी सुनते थे, अब अजय उनको सुनाता है आजा माँ जी सटक ली. सो थोड़ी सी लोरियाँ बदल गई अदरवाइज. दिस इज नैनदीप फ्रॉम डीएनए. माई क्वेश्चन इज टू काजल मैम. स्ट्रेट. Yeah. On the left, yeah. So ma'am, in an interview, you had said that Nisa always wanted you to do a Rohit Shetty film. Yeah. And you said that Golmaal is something that I can't be a part of. Now that you are a part of a Rohit Shetty film, what was the first reaction of Nisa? Nisa was very happy. In fact, she convinced me. She was like, "Mom, you have to do this film." And I was like, "You know, baby, I'm going to be out of town. I'm going to go for this outdoor and I'm not going to be with you. I'm not going to spend time with you." And she was like, "You know, Mom, you have to do this film. I want you to do a film where you're not crying. I'm tired of you doing this film. Har picture mein jahan pe main dekhne jaati hu to aap rona shuru kar dete ho. Ek koi hansi khushi ki picture karo that I can watch aaram se without any tension." So I was like, "Okay, fine. I'll do it." So really, that's how I got convinced, honestly. And of course, first and foremost, the fact that you know, the script was really awesome. Rohit and Shahrukh, of course, both of them together. So I have had a great time working. Hello. Take the last couple of questions. Hello, hi. सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली. और आज धनतेरस है, तो ये कहेंगे कि क्या इस सभी के लिए गिफ्ट है आज का? Hello. Gift of धनतेरस. Yeah, धनतेरस. Yeah. God willing, it will be a golden jubilee. और ये गिफ्ट हमको भी मिलेगा धनतेरस के लिए. जॉनी सर, हियर स्ट्रेट. या यू हैव वर्क्ड विद शाहरुख खान इन लॉट मेनी फिल्म्स. यू हैव हैड ग्रेट मेमोरेबल एसोसिएशन विद हिम. यू स्टार्टेड विद बाजीगर. कुछ बताइए सर, कुछ पास्ट में जाके कैसा रहा आपका एसोसिएशन? हाउ मच हैज शाहरुख खान चेंज्ड, यू नो? कुछ नहीं, वो वाकई मैं तो पहले इस बात की खुशी थी मेरे लिए, मैं काजल और शाहरुख भाई के साथ कर रहा था सालों बाद. बाजीगर, कोयला, करण अर्जुन, बहुत सारी पिक्चरें, 7-8 पिक्चरें की हमने. लेकिन इस पिक्चर में काम करते हुए मैं बहुत नर्वस था पहले, यार, क्योंकि शाहरुख भाई बिल्कुल मैजिक लग रहे थे. मैंने इससे पहले कहा भी कि मैं बहुत साल पहले एक बाजीगर के साथ काम किया, फिर कोयला और करण अर्जुन में कारीगर के साथ काम किया, अभी मैं एक जादूगर के साथ काम कर रहा हूँ. तो वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मजा आया. और मैं जॉनी भाई के बारे में बता दूं, आई थिंक इट्स बीन सिंस बाजीगर फॉर दैट मैटर, आई हैव सच इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम. आई ऑनेस्टली डू, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट एनीबडी रिमेन्स फनी फॉर सो लॉन्ग सो वेल. रियली आई रियली हैव सो मच रिस्पेक्ट.
for you, really, honestly. Hello, Shahrukh here. Left. No, you're known to be a marketing guru. With every new movie, you have, you know, come up with new promotion strategy and new tie-ups. Can you tell us something about the promotion? What new tie-ups can we see? ये थोड़ा मिसनोमर है यार. मैं मुझे मार्केटिंग का इतना मालूम नहीं. हमारी टीम है मनीष, करुणा और रेड चिलीज की, तो वही लोग करते हैं जो करते हैं. मैं जैसे फिल्म का श्रेय मैं सारा का सारा ले जाता हूँ जब वो हिट हो जाती है, वैसे मार्केटिंग का भी मैं ले जाता हूँ. सो देर इज़ नथिंग दैट वी डू. हमारी जो फिल्म की बिलीफ होती है, जो फीलिंग होती है, दैट्स व्हाट वी पुट फोर्थ टू द ऑडियंस. दिस लाइक आई सेड फैमिली फिल्म है, एक हैप्पी फैमिली फिल्म है, खुशी खुशगवार फिल्म है. सो वी विल जस्ट टेल पीपल टू इन्फॉर्म एवरी वन कि इसमें जो है खुशी होगी और एक ड्रामा है इस फिल्म के अंदर, एक यू नो इशूज बिटवीन फैमिली एंड लॉट ऑफ कॉमेडी एज यू वुड हैव नोटिस. सो ऑल दैट इज गोइंग टू बी इज वॉट वी जस्ट गो एंड टेल पीपल. मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केटिंग का मतलब यह है कि लोगों को हम इन्फॉर्म कर दें कि हमारी फिल्म किस बारे में है, क्योंकि इतना महंगा टिकट लेकर आ रहे हैं, उन्हें पहले मालूम होना चाहिए. बियॉन्ड दैट आई देर इज़ नथिंग स्पेशल. टुनाइट इज स्पेशल कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, फैंस आए हुए हैं फिल्म देखने के लिए. एंड जब भी हम कोई बड़ा इवेंट करते हैं जैसे ये है या जब भी करेंगे इंशाल्लाह, द आइडिया इज़ वी आर सेलिब्रेटिंग द रिलीज ऑफ अ फिल्म. एक्चुअली वी डूइंग नथिंग मोर स्पेशल दैन दैट. एंड इफ एनी क्रेडिट हैज़ टू गो देन इट हैज़ टू गो टू द मार्केटिंग टीम विच पुट्स द लॉ. मुझे आइडिया बोलते हैं हम कहते हैं पहुँच जाएंगे, हम अपना ब्लैक सूट पहन के पहुँच जाते हैं. मेरे को मार्केटिंग नहीं पता, तुम टिकट प्राइसेस पूछने लग गई हो. मुझे तो मैं तो बहुत साल हो गए थिएटर में पिक्चर देखे हुए मुझको और मैं जब भी आता हूँ मुझसे टिकट का पैसा ही नहीं लेते वो लोग. सो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो. वी अभी आई थिंक फर्स्ट टाइम हमने स्टेप लिया है कि हम फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट खुद कर रहे हैं रेड चिलीज के थ्रू. सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड वी नॉट लाइक टू डू इट. आई मीन वी लाइक टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. हाय शाहरुख. शाहरुख क्या? टॉप लेफ्ट सर, टॉप लेफ्ट. सर हाल ही में आपने एक बयान दिया था इंटॉलरेंस पे, उसके बाद काफी यार इस पे आज ना इस पे नहीं करेंगे यार बात. नहीं नहीं नहीं, दैट इज व्हाई आई एम हियर ना, ताकि ये आंसर ना हो, है ना. यार इस पे नहीं आते ना. सो आज वो फिल्म शाहरुख कैन यू. So it's actually not the place for this. We are just here to present you this. Sir, film. Actually, don't probe into that. Na, then answer will come, and then you know what can film happen. So let's move. Film ke baare mein kuch bhi puch lo na. Hum log uske liye aaye. Sir, okay. Next question, please. Anybody next? Varun. Yeah, on the extreme right over here. Rohit. Varun. Rohit, aapse jaana chahta hu ki ye jo title hai. Okay. Back to film. Iske alawa bhi koi aap logon ne title socha tha? How do you come up with this title? टाइटल पूरी टीम सोचती है कि इस फिल्म का टाइटल क्या होना चाहिए. एंड वी थॉट दिलवाले इज एन ऐप्ट टाइटल फॉर दिस फिल्म बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अ कॉमेडी फिल्म. ऑब्वियसली शाहरुख काजल है तो इसमें रोमांस भी है एंड कहानी ऐसी है जब आप फिल्म देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि दिलवाले से ऐप्ट टाइटल हो नहीं सकता था इस फिल्म का. Hello everyone, my name is Mrinmay, I'm from Maharashtra Times. My question is to Rohit sir. Left. As per the trailer ka dialogue, sabse sharif aur sabse badmash kaun tha pure set during the set during the shooting? I'm seeing यहाँ पे जिसने ब्लैक नहीं पहना है वो क्या था? क्या थे? सबसे बदमाश सबसे शरीफ. वो तो क्यूट है ना. ये पहला मतलब 11 फिल्म हो गई इतने साल से काम करो, पहली बार कोई एक्टर ने आके मुझे ये पूछा है. मैं वरुण शर्मा की बात कर रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ या मेरा कैरेक्टर कैसा है या सर बाकी सब ठीक है, मैं क्यूट लग रहा हूँ कि नहीं. तो मेरे पास इसका जवाब आज तक नहीं है. मैं एक्टर को किसे बोलूंगा तू क्यूट लग रहा है कि नहीं फिल्म में. वरुण एंड शाहरुख ऑन योर लेफ्ट हियर. अभिषेक ऑन द लेफ्ट और लेफ्ट. सो वरुण एंड शाहरुख, सिंस इट्स अ रोहित शेट्टी फिल्म, वाज द मोस्ट अनयूजुअल स्टंट दैट यू गाइस गॉट टू ट्राई? एंड रोहित शेट्टी, कैन दे एक्चुअली फ्लाई कार्स बाय देमसेल्व्स? ऑल द कार्स व्हाट यू सी उसमें स्टंटमैन है एक्चुअली. इट्स लाइक क्वाइट इट्स क्वाइट सैड एक्चुअली दैट आवर हार्ड वर्क डजंट गेट एक्नॉलेज्ड. अभी इसकी एक मेकिंग बना रहे हैं हम लोग, सो दैट व्हेन यू सी इट के इट्स वेरी इजी टू से अरे गाड़ी उड़ रही गाड़ी उड़ रही. ऑल द कार्स व्हेन यू सी उसके अंदर मेरा स्टंटमैन बैठा हुआ है. एंड व्हेन द शॉट हैपेंस आवर हार्ट इज इन आवर माउथ एंड वी प्रे कि कुछ हो नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हो. इट्स वेरी इजी टू मेक फन कि गाड़ी उड़ रही गाड़ी उड़ रही है. इट्स फॉर एंटरटेनमेंट व्हाट वी डू. वी रिस्क आवर लाइव्स फॉर एंटरटेनमेंट. वेरी फ्यू पीपल डू दैट. रोहित. हेलो रोहित. सर टुवर्ड्स योर राइट. रोहित,
You have worked with Ajay before, and now you have like worked with Shah Rukh in few films, and अभी काजोल के साथ भी आप काम कर रहे हैं. तो can we see Ajay, काजोल and Shah Rukh together in your next film? तो बच्चों को कौन संभालेगा? मुझे घर पे जाना पड़ेगा. छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे बीच में, 5 बच्चे हैं हमारे यार. Just before the next question, we've had a cast member that has just walked in, sir. Pankaj ji, यहाँ पे हैं. हाँ, Pankaj ji. अरे, welcome Pankaj ji on stage. And now we can continue with the questions. Hello. Hi, Shah Rukh. This is Urvi here to your right. Yeah, right, sir. Hi. Shah Rukh, last night you dub smashed to Prem Ratan Dhan Payo song, and so did Salman did to Dilwale. Was it impromptu that you all decided to just dedicate a song? Actually, I think they were all sitting at home and Salman called me and he said, kya kar rahe tu? I said, hamara bhi rap ho, actually hamari film rap ho gayi thi raat ko. To hum log sab dinner kar rahe the, aise we said, because Rohit humko kaam karate rehte hain, party nahi karne dete. So aakhri din humko mauka milta hai jab hum isko pura misuse kar sakte hain aur Rohit ko jaga kar rakh sakte hain. Aur hamara excuse ye hota hai ki subah jo hai hum drive karne ki halat mein, tum humko lekar jaoge to tumhe hamare sath party pe rehna padega. So this is the best excuse with Rohit because he doesn't party at all. So Salman called and he said, yeah, tera poster release ho raha hai. So I'd like to do something for you and Kajol and we'd like to do the song which Pritam Da has done. So I said, wo gana abhi to release hi nahi hua hai, abhi dub smash nahi kar sakte. So then he put that and we were all together. So we just danced to Prem Ratan Dhan Payo and it was good fun. I think it was very enjoyable, but it was just impromptu. He just called in the night and I'd missed the call. Then he called and then we called back and said, chalo hum unse pehle karte hain. So it was a competition, kaun pehle karega, wo jeet gaye ek minute se. We were actually it was like that because we were all having dinner and Shah Rukh sir, we have to do it before these guys do it and hum log upload kar rahe the aur wo it's going ticker 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 isse unka aa gaya. Hum log jidhar the hamara connection thoda sa to unka 1 minute pehle aa gaya. But I think ours was better. What do you feel? Huh? Tere haath mein kya hai? Acha, okay, sorry. खुद का एक्सप्रेशन नहीं रिकॉर्ड कर रही है ना कि शाहरुख सर कुछ बोले और यू ब्लश पर ये ट्वीट करोगे. सर जस्ट नाउ यू नो काजोल मैम जस्ट शेयर्ड हर किड्स रिएक्शन. व्हाट वाज योर किड्स रिएक्शन दैट यू गाइस आर कमिंग बैक टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? हाउ एक्साइटेड आर दे टू सी यू? अब्राम, हमने रोहित ने हमको एक रात को सबको सारी टीम को बुला के, रोहित ऐसा करते हैं पूरी टीम 220 पीपल वी सिट डाउन जब हम रैप करने वाले होते हैं यहाँ की पूरी फिल्म जितनी एडिट हो गई होती तो रोहित ने रात को फिल्म दिखाते हैं. तो उस वक्त अब्राम भी हैदराबाद में था एंड एक दो जगह पे जो रोहित बता रहे थे बहुत सीरियसली और जेन्युइनली कि बहुत मुश्किल होते हैं स्टंट्स. ऑब्वियसली मैंने नहीं किया है लेकिन उस स्टंट के अंदर एंड में थोड़ी सी चोट मुझको लगती है और तो वो ही थॉट इट्स बिकॉज ऑफ काजोल बिकॉज वो भी उस सीन में है. तो वो इसको देख कर कह रहा पापा टूट गया, पापा टूट गया. तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब विद हर. तो उसका मुझे मालूम है उसको ये जो हमारा मिलन है उसको ठीक नहीं लग रहा. उसको लग रहा है अगर काजोल के साथ आएगा तो बाप टूट जाएगा. लेकिन पिक्चर अच्छी लगी उसको. They came for a little while. They came for a day or two, but they didn't stay very long. But in Bulgaria, they were there for about 15-20 days. Yes. और हम लोग इतना actually साथ में shooting कर रहे हैं 200 दिन के साथ 200 दिन से 2-4 बच्चे तो हमने आपस में भी कर लिए हैं. Rohit, Lipika here. You just said that doing stunt is really a terrible job. What's not a terrible job? It's a difficult. It's a difficult. It's a lovely job, but a difficult one. Difficult job. What safety measures do y'all take? I mean, it must be quite different nowadays. It's a long process. मतलब मैं कैसे explain करूँ? It takes a lot of time, training. Can I just put in a little bit that I mean I'm sure Shah Rukh would agree with me on that we've done a lot of films and safety measures have changed from what they were earlier to what they are today. Are completely different. We are much, much more safe as people, much safer as stars. And I have to say, one of the safest sets that we've been on has been under Rohit's direction. I'll add to that. Actually, मैं चेन्नई की शूटिंग कर रहा था और मेरा शोल्डर एक्चुअली ब्रोकन था. I went into a surgery, and we shot 12 days. All his fighters, his team. You know, when he talks about the team of action directors that he has and the boys and girls who work on it. They are extremely safe. मुझको एक बार भी, हालांकि मुझे लगता नहीं जितना एक्शन इस फिल्म में है मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया है.
इसमें कुछ सात आठ नौ एक्शन सीक्वेंसेस हैं एंड वी ऑल नो इट एंड व्हिचएवर सेट यू गो ऑन यू हियर रिपोर्ट्स दैट शाहरुख हैज हिट हिज शोल्डर और हर्ट हिज नी और समथिंग लाइक दैट सो वी इज नॉट मैनेज दैट ऑन दिस फिल्म एट लीस्ट नॉट एट ऑल एंड इवन द कास्ट स्टंट्स दैट रोहित टॉक्स अबाउट एक्चुअली वो सारी एक्सट्रीम सेफ्टी करने के बावजूद भी आई नो दैट हाउ डिफिकल्ट बिकॉज कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी गलत हो सकती है और होती है और दुनिया भर में होती है सिर्फ यहीं पे नहीं बट आई थिंक हिज टीम इज द सेफेस्ट टीम दैट वट एवर लिटिल एक्सपीरियंस आई हैव ऑफ एक्शन आई थिंक इज द सेफेस्ट टीम पर्सनली आई हैव नेवर बीन हर्ट अ लिटिल मुझे काजल ने ज़्यादा मारा है रोहित ने कम मारा है एंड जेन्युइनली इट्स वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टीम्स एंड हिज अदर टीम्स व्हिच ही जॉइंस इन एंड मेक्स अ होल ग्रुप आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेफ टीम टू डू एक्शन यू फील इनकरेज्ड कि जब ये 10-20 गाड़ियाँ उड़ रही हैं ऐसा हम बात नॉर्मली करते हैं उसकी बट व्हेन ही इज डूइंग इट वी नो वेरी क्लियरली दैट वी आर इन एन इंटरनेशनल बाउंड्री और अ डिफरेंट कंट्री एंड वी आर एज गुड एज एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड सो आई थिंक कूडोस टू हिम हेलो I want to just add one thing in this that this is the first time I'm doing action so I was a little nervous to do this type of action and stuff and I was supposed to do a flip off a table and I was very enthusiastic about it so I told Rohit sir that main kar lunga I'll do it and he said no I won't let you do it just put the padding I won't take the shot only so why are you arguing so I put the padding I said main kar hi lunga I was being confident and I did hurt myself no and he's very good even in the romantic song he said put the padding हेलो जॉनी भाई जॉनी सर एक्सट्रीम लेफ्ट सर नीचे आई एम रमेश राव फ्रॉम ब्लॉकबस्टर मैगजीन कौन मर गया सर मैं जिंदा हूँ सर मैं जिंदा हूँ मुबारक 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 हो सॉरी सवाल का जवाब मिल गया बैठ जा अभी नहीं अच्छा आप हंसाते हो अच्छा लगता है मुझे थैंक यू सर मैं वही बोल रहा हूँ आई एम रमेश राव फ्रॉम ब्लॉकबस्टर मैगजीन एंड आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट शाहरुख सर ऑल्सो कि आप उनके साथ हमेशा ऐसी फिल्में में मजा है कॉमेडी है अनारकली एंड ऑल दैट अभी तक याद है सबको बाजीगर करण अर्जुन देन यस बॉस में भी थे शायद बादशाह में भी थे तो सर ये आप जिंदगी में हम लोग इतने लड़ते हैं लाइफ से तो शाहरुख जी थैंक्स भूमन जी भी हंसाते ये बहुत मेरा प्लस पॉइंट है मुझे अच्छा लगता है ऐसी फिल्में जहाँ पे आप हो और आप रहेंगे तो हंसी मजाक होता है चलो फर्स्ट डे एक ऑडियंस तो मिली कंफर्म प्लीज टेल मी आप कैसे क्या करते हैं ऐसे अगर आप जो रोल करते हैं शाहरुख के फिल्मों में शाहरुख जी आपको भी मुबारक हो ये हंसी आप लाते हो फिल्मों में दैट्स वेरी नाइस तो हाउ यू डू इट सर जॉनी भाई यू आर सो मतलब मैं एक कैप्सूल खाता हूँ सुबह जिसका नाम है जी डी कॉम्प्लेक्स नहीं देखिए क्या है चार दिन की जिंदगी मैं समझता हूँ या पिक्चर में हो या पिक्चर के बाहर हो हंसी खुशी से जिंदगी गुजारनी चाहिए एक अच्छी टीम हो काम करने का मजा और होता है रोहित शेट्टी हमेशा हम लोगों को खुश रखता है पैकअप के बाद भी हम लोग खुश रहते हैं हंसी मजाक में गोलमाल में खेल 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 वॉलीबॉल फुटबॉल है ना फिर फूड खाया हो गए गोलमाल में भी थे शायद हाँ गोलमाल में बस बड़ा अच्छा लगता है आपको अच्छा लगता है हमें भी अच्छा लगता है तब जाके कुछ पिक्चर पे बात निकल आती है कर चले हम सलाम है मेरे साथियों अब तुम्हारे हवाले दिल वाले साथियों Hi sir, Shahrukh sir over here. Sir, you know in the trailer we get to see two looks. Like one is the clean shaven and other is this. And in the past, the writers have said that in this film you'll be seen in an angry young man look, just like Amitabh Bachchan in the 80s. And the audiences will whistle to the sequences in which you are doing action. So could you say something about that? I don't know yaar actually yeah the film is based in two time zones magar linear nahi hai picture aisa nahi hai ki shuru hoti hai aur aakhir tak ek time span aata hai it has the technique writers ne aur rohit ne jo technique use ki sajid farhad aur rohit ne ki it keeps coming in going out so ab rohit ki film hai aur rohit mujhe bahut salon se macho banane ki koshish kar raha hai to mujhe aisa lag raha hai ki is film ke andar mera kuch macho theek ho gaya so there are moments like that And like I said, there's a lot of action. But again, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि एक बड़ी ही खूबसूरत फैमिली टाइप एंटरटेनर है और उसके बीच में हर चीज़ है आई मीन मैं ऐसा नहीं कि किसी को पॉइंट करूँगा
बहुत सारा सेक्सीनेस है जैसे बमन साहब हैं, कॉमेडी है, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड इमोशन इन द फिल्म एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग एल्स दैट अ पर्सन वुड लाइक टू सी इन 2.5 आवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. सो उसके अंदर एक्शन भी है और बहुत बड़ी बात बोलती है, आई डोंट थिंक मैं अमित जी जैसा एंग्री यंग मैन हूँगा, मेरा एंगर ऐसे छोटा मोटा सा है, वांखड़े तक इतना बड़ा नहीं जाता. शाहरुख सर, दिस इज नैनदीप, हियर स्ट्रेट. यस सो सर, यू नो इफ यू सीन द लास्ट फ्यू इयर्स, यू आर द ओनली सुपरस्टार हुज डन सो मेनी एनसेंबल फिल्म्स एंड वरुण हैज सेड दैट यू आर द बेस्ट को-स्टार एवर. डू यू समवेयर वियर टुवर्ड्स सच फिल्म्स बिकॉज़ यू आर सिक्योर एज एन इंडिविजुअल इन रियलिटी एज वेल? एब्सोल्युटली. फिल्म की कहानी अच्छी होनी चाहिए यार. यू आई मीन लॉट ऑफ पीपल आस्क मी एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट इन एनी विच वे टॉकिंग अबाउट काजोल और प्रीति एंड द को एक्टर्स. आई थिंक एन एक्टर शुड डू अ फिल्म बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर एंड नो अदर रीजन. कि ये फिल्म जो है इस डायरेक्टर को बनानी है और ये चाहते हैं कि मैं इस फिल्म में हूँ, इसमें भाग लूँ. अदरवाइज दिस नो पॉइंट डूइंग इट, यू नो, बिकॉज आप उस हीरोइन के साथ काम नहीं कर रहे, इसके साथ काम नहीं कर रहे. आई हैव नेवर वर्क विद अ हीरोइन. वी देन मेक अ फिल्म विद द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप. So, अगर उसके साथ कॉन्फिडेंस है एंड उसके साथ बिलीफ है, वट एवर स्टोरी, यू नो, एंड रोहित हैज 3 स्टोरीज फॉर मी एंड ही सेड ये कर लेते हैं सर पहले आफ्टर चेन्नई एंड इट्स हिज बिलीफ. मैं कुछ भी कर लूँ, अगर मैं रोहित के बिलीफ के विपरीत करूँगा तो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी. सो आई हैव ऑलवेज बिलीव जिस डायरेक्टर को जो फिल्म बनानी है और अगर मुझे वो उस फिल्म के लिए चूज़ करते हैं देन मेरा वो इट्स माई ड्यूटी टू जस्ट फॉलो इट थ्रू. इट डजेंट मेक अ डिफरेंस. अभी फैन आ रही है, फैन में कोई और है ही नहीं, मैं हूँ बस. You know, some other film will come. So it depends. If you are happy doing a film with the director, whatever the cast, however you want. And having said that, I don't think after working for 25 years, I really need to worry with the cast and crew, which loves me so much. In 99 or 100% of the films that I've worked in 25 years, they call me Shah Bhai and give me so much love that I have to worry ki X is better, Y is better. I wish, and honestly, in my 25 years, as I stand here, I would like to say this without sounding immodest or... you know, any other way, I really wish everybody is better than me in the film and take me along and make me look good. So I really hope even this film does the same. But I actually want to add to this, he is in reality the most secure actor ever. He is someone who jo dusron ko apne se aage rakhte hain, and that's what he's been doing throughout the film. In everything, he wants all of us to be a part of it. He wants us to be seen more, do things. And he has always been encouraging us, and that is the quality of a secure actor. Did the ladies get to do any action? You are still stuck on that question, na? Yeah, they've done a lot of action, especially Kriti, who's been hitting me and Chucha and everyone over here. And no, but just to add to what she said, he's honestly, I think he's actually a rock star. He's one of the coolest people I've got to work with, and he's actually the youngest actor on this set because he's always on the go. He doesn't let us sleep. He keeps saying कि तुम लोग क्या कर रहे हो यार, you're like young, क्या कर रहे हो, तुम्हारे उम्र में तुम लोगों को पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा था. Live life, enjoy. He's one producer who doesn't let his actors sleep. सब कुछ मत बताना मैं क्या कर रहा हूँ. It's only for me. But और उसका जवाब तो दे दो. Yes, they do action in the film. बेचारी तड़प गई है. Do ladies have any action? Do ladies have any? Yes, they do. काजल का बड़ा अच्छा action सीन है जॉनी भाई के साथ. All right, ladies and gentlemen, we'll wrap it up. Thank you so much. Let's have a little photo op. And this one's going to be quite an adjustment. I suggest the ladies stay seated. So we'll do a big, large, sir, jahan jahan tak aa sakein. Oi. Haan.